नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। आज जिस खास व्यक्ति से मैं आपकी पहचान कराने जा रहा हूं, वो पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी में ये अपने घर हैं और घर में रहकर ये क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं प्रिंस सिंह राजपूत, भोजपुरी जगत के वो व्यक्ति जो अपने माटी से प्यार करते हैं। भोजपुरी से जुड़े हुए कई फिल्मों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, मुख्य भूमिका में भी रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं, आप सिवान में हैं, क्या खास वजह है, आपको तो मुंबई रहना चाहिए। जी नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, पूरे भोजपुरी समाज, पूरे हिंदुस्तान को भी नमस्ते करता हूँ। और जैसे कि सारे हिंदुस्तान, हमारे जिलावासी जितने हैं, सब जानते हैं कि आज का दौर कैसा गुजर रहा है, कैसे महामारी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं। उसी के चलते अपने देश में लॉकडाउन लगा, जिसका पालन हम खुद कर रहे हैं, हमारे पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तो भैया, हम लोग आज अपने होम टाउन सिवान में हूँ। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा हम लोग ख्याल रख रहे हैं। हम लोग पूरा मास्क लगाते हैं, गमछा है उससे मुंह धोते हैं। सारे जो भी लोग हैं, जितना बस चलता है, सबसे बोलते हैं कि भैया सोशल डिस्टेंस बना के रखें। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस बनाने की बात कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अभी कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश तो जूझ ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार हमारे देश पे हमला कर रहा है छुप छुप के। और प्रिंस सिंह राजपूत ने एक फिल्म बनाई थी इंडियन, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, पाकिस्तान से रिलेटेड ये फिल्म थी और देशभक्ति से जुड़ी फिल्म थी। आज के दौर में इंडिया को क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पे जानना चाहेंगे। जी, जो ये मुद्दा चल रहा है, हम तो एक महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें हमारा दुश्मन जो कि शुरू से ही रहा है पाकिस्तान, वो ऐसी घटना के लिए सोच रहा है। तो इसमें हम पूरा समस्त हिंदुस्तान को एक मजबूती के साथ हौसला बना के इसमें जीना है और लड़ाई जंग लड़ना है। हमारी अधिकतर फिल्में सब देशभक्ति ही होती है, जैसे इंडियन, मिशन पाकिस्तान, नरसिम्हा, सब मैं देशभक्ति ही फिल्म करता हूँ। तो मैं पूरा हिंदुस्तान वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि भैया इस जंग को जीतना है और हौसला बना के रखना है। बिल्कुल, हौसला बनाए रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार देशभक्ति से जुड़े रहते हैं, इसी माटी के लाल हैं, इसी सिवान के रहने वाले हैं, तो इनके लिए भी हमारी शुभकामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश के मनोबल को ये लगातार बढ़ाते रहें, खासकर भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ाते रहें। धन्यवाद प्रिंस सिंह राजपूत जी, आपका स्वागत है और हम प्रयास करेंगे कि हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। न्यूज व्यूज के लिए सिवान से आकाश।